सुकान गुरु पहाड़ रौरे मनकर स्वागत। रौरे मन आए खाए तो गाड़ी उड़ी व्यवस्था करके आओ, लेकिन एक वो गाड़ी में तीन जना बैठा। देखो नीचे कर भी नजारा देख सकी ना। प्राकृतिक कर नजारा यहाँ से देखे खाए, झारखंड काले कहे ना सके जाने खाए, तो यहाँ पहाड़ में चढ़ के एक बार देखो झारखंड जंगल झाड़ कर टुकड़ा और पृथ्वी में सुंदरता कर मुखड़ा। यहाँ से पीछे वाला रोड और ये वाला रोड में चढ़े समय पतरातू घाटी वाला याद आवेला। भले उसन फैसिलिटी वाला रोड नहीं दिशा थे, लेकिन रोड का जो आकार है, बनावट है, दिशा है, से है लकड़ी है। उतने दूर आए ले भाई, हर गाड़ी किसान करबे तो ना होले होले पैदल भी जाए सकते। वह चढ़ हो कर से पहले यह वाला क्षेत्र में है एगो डोमारी गुरु, जहाँ बिरसा मुंडा कर रह कर स्थान रहे और उसके बाद ही दूसरा सुकन गुरु कर पहाड़। मैं चाहूँ कि जगह से रौरे मन पैदल जाओ। ये हम लोग का झारखंड का सुंदरता, आप लोग को मजा भी आएगा देखने में। हाँ पीता सिंह अंग्रेज लोग यही पीता था। यहाँ पर सुकन बुरु पहाड़ से आप लोग को लगेगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लगेगा कि हम लोग आसमान में हैं। और इधर से आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है यहाँ छोटे भैया अपना पोज देते हुए, शाहरुख खान वाला। आप थोड़ा सा और एक बार दे दीजिए। तुझे देखा तो। और इधर हम लोग आए हैं फुटबॉल खेलने के लिए, इधर हम लोग को आने का मन किया तो आ गए। बिजली सर आप कुछ कहना चाहिएगा? हाँ हम कहना चाहेंगे कि ये देखना है आगे। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई प्रोफेशनल कैमरामैन रहता तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फोटो और वीडियो शूट करके ले जाता, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मेरे हिसाब से जो मैं कर सकता हूँ वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेला लगता है कब के कोई जानकारी है? कहीं यहाँ मेला लगे बोला दिसंबर 17 या 18। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जिस तरह से बहुत सारे पर्व त्यौहार को चांद देख करके ये करते हैं ना मनाते हैं, उस तरह से भी यहाँ मेला उसी तरह का कुछ ये है, रीति रिवाज है। और यहाँ से आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ आए हैं 6 लोग, क्योंकि ये हीरो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और एक नीचे 6। झारखंड के रांची में ही पतरातू घाटी कहते हैं, एकदम सेम टू सेम उसी तरह का घाटी आपको नजर आएगा। अगर मतलब यहाँ से रोड यहाँ से चढ़ने के लिए जो रास्ता है ना उसी प्रकार से यहाँ से तो आए हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा कुहासा है, मतलब लोगों का कहना है कि यहाँ से अगर सबसे टॉप में अगर चढ़ करके देखिएगा उधर जिस क्षेत्र में बुंडो है, तो वहाँ का तालाब का नज़ारा आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग आए हैं अभी तक उस तरह से कुछ नज़ारा इधर से तो नहीं दिख रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि कुहासा बहुत ज़्यादा है अभी, बहुत ही शानदार। चलिए मिलते हैं मेरे को। ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको, इस पहाड़ के विषय में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्हीं को था। हाँ कैसा एहसास था फर्स्ट टाइम जब आप चढ़े थे, बताइए जरा। बहुत मस्त। किसके साथ आए थे? भाई था। भाई सरहुल पर था ना। हाँ हाँ तो नाचने जा रहे तो शॉर्टकट मार के ऊपर ऊपर नीचे उधर। कहाँ कहाँ नाचने के लिए कहाँ जा रहे थे? दोस्त का दोस्त का गांव नहीं, गल भाभी का। ये अब देखिए छिपा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मुझे तो थोड़ा बहुत आभास हो रहा है कि ये इधर पहाड़ चढ़ करके, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा बिहार के एक सच्ची घटना पर आधारित है, दशरथ मांझी
और उसका आपको एकदम उसी तरह से देखिए, एकदम सेम टू सेम मुझे ये टोपी जो लगाए थे ना दशरथ मांझी, उसी तरह से अपना स्टाइल मानो गजब। मांझी द माउंटेन मैन वो अपनी पत्नी के लिए पूरा पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाया था। ये भी मुझे लगता है कि ये भी पूरा पहाड़ पैदल चल करके उधर उस पार गए थे अपनी ही होने वाली पत्नी के लिए शायद, है ना। तो मैं चाहूंगा अगर आप आज से पहले मांझी द माउंटेन में नहीं देखे हैं मूवी तो एक बार जरूर देखिए, बहुत ही मस्त कहानी है। हम तुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्या बताया, सीना चीर के दिखाए बजरंग बली की तरह, फेमस डायलॉग। तोरा को क्या लगता था नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जय जय बीरू गब्बर सिंह, इनका सेल्फी लेने का स्टाइल ही अलग है। चश्मी संकल मुझे केला दो ना। अरे बाबा ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है, केला खाने का, केला खाने का, ये शाम तेरा केला दे, केला दे बाबा, बच्ची को भूख लगा है, इंसान है कि कौन है, केला दे। हम लोग ना ये हेलमेट पे ये क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड नहीं, माउंट, माउंट बोलते हैं ट्राइपॉड, उससे भी हम लोग वीडियो शूट कर सकते थे, लेकिन बैग हम लोग वहीं छोड़ दिए और मुझे लगता है लाने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग अगर आगे जाएंगे कोई लेकिन नहीं चढ़ पाता हूँ। ए हर चाबियो लगा हूँ कि नहीं, गारंटी ना, देखिए इस तरह का भूल ना करे, अगर आप कभी आइएगा ना। हाँ ठीक, शुक्रिया। इस तरह का भूल ना करे, जैसे हम लोग जब यहाँ पर आते हैं ना, मतलब किसी नए जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले देख करके ना मन मतलब खुश हो जाता है, मन मोहा जाता है कहते हैं ना, तो उस चक्कर में हम लोग बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं। जैसे बाइक से आए हैं तो बाइक को लॉक करना, उस चाबी उठाना, या फिर सब जल्दी से चाहते हैं कि हम जो सामान है जल्दी से रखें और बढ़िया से इंजॉय करें इस जगह को। बैग वगैरह सब अगर आप लाए हैं तो अपने साथ ले करके चलिए। हाँ हेलमेट खोलें, मास्क कल लगा थी। तब देखता हूँ एक बार, इस फोन से भी हो जाए, मेरे पास भी तो सेल्फी का फोटो होना चाहिए ना। वो दो शख्स उधर से आते हुए नजर आएंगे, वो दोनों रियल सोल्जर हैं, आर्मी मैन, वो रहते हैं कश्मीर के पहाड़ियों पे और आज घूम रहे झारखंड के होते हुए, पहली बार घूम रहे होंगे मुझे लगता है, सही बात है, पहली बार घूम रहे झारखंड और कश्मीर की पहाड़ियों पे, हमारे हमारी रक्षा के लिए वो अपना क्या बोले रात दिन एक करके ड्यूटी करते हैं, आपको अभी दिख रहे होंगे आते हुए। देखिए उनसे भी मिलाऊंगा मैं, थोड़ा सा उनसे भी कुछ बात किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही है, नहीं तो फिर आपको देखने में कुछ फ़ायदा ना होगा। मुझे भी पता चला कि वीडियो ख़त्म हो गया शूट करने के बाद, पता चल रहा है कि ऑडियो ही क्वालिटी ख़राब है। तो अभी उन दोनों से बात करेंगे, इधर आने का एहसास और उधर दोनों उधर ही गए थे। तो आज हम लोग यूज करने वाले हैं इस ब्लूटूथ हेडफोन को माइक की तरह, पता नहीं किस तरह से बात करेंगे, बकवास तो नहीं लगेगा। छोटू भैया और बड़े मालिक दोनों से कुछ कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ कुछ कहिए। तो आपसे पहला सवाल है कि आप इधर जो घूमने आए हैं, पहला बात तो ये बताइए कि यहाँ पहाड़ पे आते समय आपको क्या क्या दिमाग में आ रहा था, और एहसास कैसा लगा? ठीक लग और वैसे लगा थे खान, घूमे फिरे थी सब बटे और मजा लगा थे घूरे फिरे, और हमरे के हमरे तो बाहर रही ला, एखन देख ली झारखंड में ऐसी ऐसी भी जगह है, हमरे नहीं सोच रही कि ऐसी ऐसी जगह भी है झारखंड में, तो घूरे थी सब बटे घूर घूर के देख ली चारों बेरा, और अच्छा है जगह, अच्छा है पिकनिक मनाए के लिए भी अच्छा रही है। रौरे मन से एक बार आओ और देखा तो आँख से देखा अच्छा लगी रौरे के, ले वो मोर बड़का दादा के देती। हाँ रौरे से भी हम कुछ सुने के चाहिए ला, छोटू भैया बहुत शानदार बात बता रहे हैं कि यहाँ पिकनिक आवे अगर चाहती तो आ सकीला, यहाँ पिकनिक मना के आ सकीला, लेकिन उकर बादे भी हमारे कुछ कुछ बात के बतियाब कि यहाँ सबको जोहार प्रणाम नमस्ते जय हिंद। आज हमरे आ रही फुटबॉल खेले कर रही ने खेले के ले, तो पहाड़ देख ली तो बहुत अच्छा लागल, तो हमरे आली घूर हमरो पहाड़ पर तो घूर रही, लेकिन बहुत अच्छा लागल, बढ़िया एकदम शानदार है। तो रौरे मन से है विनती कि कहियो आवा घूर, यहाँ मेला लगेला 18 दिसंबर के, तो बस यही कहब आवा एकदम, बहुत मजा आई, बस जवाब। Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a go.
they don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. और यहाँ हम लोग बात कर रहे थे पिकनिक आने के विषय में, छोटू भैया अभी जैसे बता रहे थे, तो मुझे लगता है और उनको भी पता है ये चीज़, भले आप लोगों को बता नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अगर आप पिकनिक के लिए आ रहे हैं तो खाने पीने के लिए, अगर पकाने के लिए आप यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर चढ़ करके खाना उना बनाया जाएगा उसके बाद खाया जाएगा, तो सामान उमान लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हाँ, गाड़ी चढ़ जाएगा ना, फोर व्हीलर चढ़ेगा चढ़ेगा, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है उन सब का, लेकिन छोटे भैया बता रहे हैं कि फोर व्हीलर चढ़ जाएगा तो चढ़ेगा ये, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कोशिश करिए कि जैसे हम लोग झारखंड में बहुत सारे जगह में फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो उतना ये चढ़ते हैं ना गाड़ी में, जितना वहाँ अट सकते हैं, लेकिन यहाँ कोशिश करिए कि एक गाड़ी में उतने ही वजन दें जिससे वो आसानी से चढ़ सके। क्या? हाँ, जितना गाड़ी इजाज़त देता है उसका कैपेसिटी जितना है उससे भी कोशिश करिए कि उससे भी कम थोड़ा सा बैठा जाए, उसको वेट थोड़ा ज़्यादा ना दिया जाए, आप लोगों को आने में जाने में दिक्कत नहीं होगा। हम आए थे गांव की तरफ से, ये शॉर्टकट रोड लेकर के आए और काफ़ी शानदार लगा इधर, यहाँ पर टॉप से हम लोग चढ़ के देखते हैं, भैया सब पूछते हैं कि किधर दिखता है ये, क्या बोलते हैं, तालाब बुंडू का 360 भी दिखा दो ना एक बार घूम के। 360 एक मिनट, हम लोग भी दिखेंगे। अभी मैं आप लोगों को उतरने का एहसास दिखाता हूँ और नजारा भी। यहाँ पर अभी आए हम लोग, लेकिन जैसे होता है ना कहीं पर भी जाने के बाद फोटोशूट वीडियो स्टेटस वगैरह सब बनाते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम कभी आने की कोशिश करते हैं। और ये मेरा बसंती मुझे बहुत सारी जगहों पर घुमाया, मेरे पास जो है ना वीडियो शूट करने के लिए बहुत सारा चीज़ था, ट्राइपॉड वगैरह सब है, इसको भी हम लोग हेलमेट यूज कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा समय भी कम है और सेकंड टाइम करेंगे। हाँ, मुझसे और एक मिस्टेक हुई, खैर हुआ भूल तो गए, लेकिन शुक्र है कि यहाँ से निकलने से पहले याद कर लिया मैं, नहीं तो फिर ऐसा होता नहीं है अक्सर, बहुत समय के बाद मुझे याद आता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सामान क्या लाए हैं और कहाँ पर छोड़े हैं, छोड़े हैं तो क्या जहाँ छोड़े हैं वहाँ पर सुरक्षित है या नहीं, जाते समय क्या क्या सामान लेकर के लाए थे तो जाते समय देख लीजिए एक बार क्या क्या सामान है, नहीं छूट रहा है क्या, सभी चीज़ तो ज़रूरत होते ही हैं। और बच्चों के साथ आ रहे हैं तो अपना ध्यान में मस्त मगन गुम मत हो जाइएगा, क्योंकि बच्चे भी इन सब चीज़ों को देख करके कुछ नए जगहों देखने के बाद उन सब में भी इंटरेस्ट आता है कि इधर है क्या, उस चक्कर में जैसे ऐसे जगह पे से गिर उड़ ना जाए, फिर बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, आप समझ ही रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि खो ही जाए बच्चा, चोट भी लग सकता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा ऊँचाई से तो पैदल चढ़े उतरे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा थकावट हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाया ना ट्राइपॉड वगैरह सब, तो मैं भी एक बार सोच रहा था कि दिखाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मुझे उससे एक फ़ायदा हुआ ना दिखाने के चक्कर में, हेलमेट छूटने से बच गया, मुझे हेलमेट याद आ गया। अगर यहाँ पर आए हैं ऐसी जगह में घूमने के लिए और कुछ सामान अगर आप भूल चुके हैं ना, तो कोशिश करिए कि उसके जगह में जैसे क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग ये रिमोट लाने क्या होता है बटन शटर हम लोग लाने भूल गए थे, लेकिन मेरे पास ये था, इसको यूज किए काम आ गया, खुद में ऐसे सोचिएगा तो उपाय निकल जाएगा, छोटू भैया के साथ रह के ना बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया आएगा आपके पास, है कि नहीं, इसको यूज किए हम लोग सब कोई सेल्फी भी लिए। अब परंपरागत तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है पर्व त्यौहार, आप लोग झारखंड का इतिहास उठा करके देखिए या फिर आदिवासियों का इतिहास उठा करके देखिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हुआ है, जगह जहाँ पे ये पत्थर गाड़े हुए हैं जो बहुत पुराने हमारे पूर्वजों द्वारा गाड़े हुए ये पत्थर हैं। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो घेरा किया हुआ है ना, हम लोग जूता चप्पल पहन करके आए लेकिन इसके अंदर नहीं घुसे हैं, इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि इस तरह की जगहों को हम लोग अपमान कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि झारखंड का इतिहास उठा करके देखिए या फिर
आदिवासियों का इतिहास उठा करके देखिए, आप लोग को ऐसे जगहों का वर्णन मिलेगा हर बुक्स में और हर एक चीज में। अभी हम लोग फोटो शूट करने के लिए आए ना, पहले कर लेते हैं उसके बाद भाषण करेंगे, है कि नहीं? क्या कहना चाहिए? आई लव यू कह दीजिए। आई लव यू। इस पर्वत के तीन सीमावर्ती गांव, मतलब पर्वत के सीमा पर तीन गांव स्थित है, दुलमी, टोटादा और सुकंडी। सरकार ने इस पवित्र स्थल को नष्ट करने के उद्देश्य से दिनांक 18 मार्च 1982 ईस्वी को टावर बनाने का संकल्प लिया था, परंतु बुरु बोंगा के भगवतों के घोर विरोध के कारण, मतलब पहाड़ देवता के भगवतों के घोर विरोध के कारण सरकार असफल रहा। बुरु बोंगा भगतों पर आपराधिक मुकदमा भी सफल रहा। ये मुझे समझ में नहीं आया, भक्तों पर आपराधिक मुकदमा भी असफल रहा, सॉरी असफल रहा, ठीक है। जैसे हम लोग 18 मार्च 1982 के विषय में, मतलब उस समय सरकार जो है यहाँ पर कुछ बनाने का निर्णय लिया था, उसके विषय में बात कर रहे थे ना, तो उसी का एक ये है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।